कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रपाल बिहार स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा से भारत जोड़ो यात्रा महानगर में निकाली गई, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा इस उद्देश्य के साथ निकाला जा रहा है जिससे सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा, हम लोगों ने नारा दिया है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो कि पूरे देश में गूंज रहा है, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाला जा रहा है। हम लोग का पूरा उद्देश्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गोरखपुर में प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है, जो कि गोरखपुर से निकलकर सहजनवा तक जाएगी। राहुल गांधी की मेहनत को देखते हुए हमने प्रण लिया है कि नंगे पैर गोरखपुर से सहजनवा तक जाएंगे और हम लोगों ने शपथ लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, तौफीक आलम, प्रदेश सचिव दिलीप निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस कमेटी। भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है राहुल गांधी जी ने। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर में, और भाईचारा एकता बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा गोरखपुर टाउन हॉल से सहजनवा में समापन है। आज राहुल गांधी जी को देखते हुए, उनकी तपस्या को देखते हुए, हमने खाली पैर चलने का 22 किलोमीटर ये शपथ ले लिया है कि अगले सत्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये मेरा प्रण है जी। इसका मकसद समाज में व्याप्त नफरत और डर के माहौल को खत्म करके आपसी भाईचारा बढ़ाना है। संदेश यही है कि आप आपस का नाता जोड़ो और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो।